जहाँ तक भाजपा के पूर्ण बहुमत की बात है, हम लोग लगातार 5 वर्ष से जनता के बीच में थे और जनता के काम कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्व समाज के विकास के लिए जो एजेंडा तैयार किया था, उस एजेंडा पर काम करते हुए हमने सर्व समाज के उन सभी गरीब व्यक्तियों को आवास देने का काम किया, उनके शौचालय का निर्माण कराया, उनको मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए, विद्युत के कनेक्शन उनको दिए, जनधन योजना के खाते उनके खुलवाए, पेंशन योजना उनको दी और उनको बीमा योजना का लाभ भी दिया। सरकार की ये जनहितैषी योजनाएं थीं और इनको हम नीचे तक आम जनता के बीच में पहुंचाने में सफल हुए, जिनकी वजह से हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार में आए हैं। जहाँ तक ललितपुर नगर की बात है, नगर में आपने देखा होगा 2017 में मुझे 38,000 वोट मिला था और इस समय वही वोट जाकर के 19 में मात्र 2 साल के अंतराल में जाके 48,000 कुछ हो गया। तो ये हम इसको प्रोग्रेस कहते हैं। जनता ने हमारी योजनाओं को, हमारी सरकार की एक क्रियाशीलता को और हमारे सरकार के सतत संपर्क को अपने बीच में सर स्वीकार किया और उसी का परिणाम है कि आज जनता ने हमको पूर्ण बहुमत से सरकार में बैठाया। ये जीत आम जनता की जीत है। संपूर्ण भारतवर्ष के 125 करोड़ जो आबादी है, जो वोटर्स हैं, उन सभी की जीत है। आपने देखा होगा कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल ना हुई हो। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी में नेतृत्व की जो क्षमता है वो भारतवर्ष के किसी अन्य अभिनेता में नहीं है और उस नेतृत्व को भारत की जनता ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से आगामी जो हमारे 5 वर्ष जनता ने अब हमको काम करने के लिए दिए हैं, हम इस 5 वर्ष में हर उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हैं, रोजगार उसको देने वाले हैं, उसका आवास बनवाने वाले हैं, जहाँ कहीं भी जैसी उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम अब हमारी सरकार इन 5 वर्षों में करेगी। क्योंकि भारतवर्ष का विकास निश्चित रूप से आम जनता के हाथों ही है। हमारी जनता अगर काम से लग जाएगी, काम रोजगार उनको मिल जाएगा, तो भारत का विकास तो स्वतः हो जाने वाला है। दूसरे, संपूर्ण विश्व में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है कि आज मैंने अभी पढ़ा सुबह, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनको मोदी जैसा व्यक्ति प्राप्त है। यानी ये देखिए आप, जो विदेश के राजनयिक लोग थे, जो कभी हमको प्रवेश के लिए वीजा प्रदान करने में संकोच करते थे, वीजा नहीं देते थे, आज वो हमारे नरेंद्र मोदी की खुलकर खुले मन से तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। इस समय पेयजल के लिए आप लोग देखिए, चूँकि हमने गर्मी का मौसम प्राप्त शुरू होने के पहले ही जिला प्रशासन को अलर्ट किया था और ये कहा था कि चुनाव भी इसी पीरियड में है, आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे पेयजल की समस्या ना हो। लेकिन हम जानते हैं ये समस्या आगामी समय में जल्दी ही दूर होने वाली है। पाइप पेयजल योजना के माध्यम से सरफेस वाटर को कलेक्ट करके हर व्यक्ति को हम पाइप पेयजल योजना से जोड़ने वाले हैं। चूँकि हैंडपम्प भी फेल हो रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर लेवल समाप्त हो रहा है, चाहे जितना गहरा बोर हम कराते हैं लेकिन वो साल भर नहीं चलता और पानी और लेवल नीचे चला जाता है और पैसा भी इसमें ज़्यादा खराब होता है। जनता के धन का दुरुपयोग ना हो इसलिए हम लोगों ने पाइप पेयजल योजना के माध्यम से सरफेस वाटर को कलेक्ट करके जनता को पीने के पानी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, जहाँ जहाँ भी नगर में ऐसी समस्या हो रही, हम लोग टैंकर से पानी भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पाइप पेयजल के लिए विद्युत की वजह से जो गड़बड़ियाँ फॉल्ट होते हैं उनको भी हम मौके पर लगातार जल संस्थान को अलर्ट किए हैं। अब और उसके बावजूद भी अगर समस्या आ रही है तो मैं आम जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें, उनकी समस्या का समाधान जल्दी ही होने वाला है। देखिए, नेहरू नगर के लिए 55 करोड़ की बड़ी पेयजल योजना का हम लोगों ने आगाज़ किया है और ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था हो गई है। शीघ्र ही टेंडर होकर के वहाँ पानी की टंकी का निर्माण होगा, वाटर सप्लाई गोविंद सागर बांध से दे करके वहीं वाटर फिल्टरिंग का काम होगा और चांदमारी क्षेत्र पर और नेहरू नगर पर जहाँ अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर इस योजना का बिना पाइप पेयजल के कोई माध्यम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ एक अच्छी योजना की शुरुआत करने का काम किया है। और चूंकि आचार संहिता थी, अन्यथा अभी तक तो काम प्रारंभ हो गया होता,
अब उनका टेंडर हुआ जाता है और शीघ्र ही जनता के बीच में वो योजना क्रियान्वित की जाएगी। और अभी इन दोनों मोहल्लों में पानी के पीने के पानी की व्यवस्था हमारी जनहितैषी संस्थाएं हैं वो भी टैंकर चला रही हैं, नगर पालिका भी टैंकर चला रही है और जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि देवगढ़ रोड पर रेलवे ट्रैफिक से जाम का जो नज़ारा रहता है उसको दूर करने के लिए हमने ओवरब्रिज का काम लगवाया है और ये ओवरब्रिज 1 से 1.5 साल के भीतर निश्चित रूप से कंप्लीट करना है। इसके लिए बड़ी द्रुत गति से काम हम लोग चला रहे हैं। जहां अभी आवागमन की समस्या हो रही है उसके लिए हमने वहां से रूट डाइवर्जन बाईपास से किया है और जनता से भी ये हमारा अनुरोध है कि बाईपास का उपयोग करते हुए थोड़ा कष्ट जरूर होगा लेकिन समस्या का समाधान स्थायी अगर चाहिए थोड़ा कष्ट हम सहन करते हुए अपने रूट को परिवर्तित करके ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें और आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो इसका ध्यान रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। देखिए मनोज जी, ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से अपने ललितपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, महात्मा माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय रहते आपने भी मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया और आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है कि हमारी जनता बूथ तक वोट डालने गई और वोट डालने के लिए सीधे केवल एकमात्र उनको मोदी ही नेतृत्व स्वीकार था इसलिए कमल के फूल का बटन दबाकर उन्होंने वोट देने का काम किया। खासतौर से लोकसभा झांसी ललितपुर में ललितपुर विधानसभा से सर्वाधिक मत हमारे प्रत्याशी अनुराग शर्मा को मिला है और उसके लिए मैं जनसेवक रामरतन कुशवाहा अपने विधानसभा के सभी मतदाताओं का हृदय से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि उनकी जो भी जनसमस्याएँ हों वो मुझ तक फ़ोन के माध्यम से या सीधे मिलकर समस्या को बताएं ताकि मैं उनका जल्दी से जल्दी निदान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।